नमस्कार बच्चों आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश कर रहे हैं तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ इसके लेख श्री श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखित है दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं यानी कि विज्ञापन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है एक नई प्रकार की जीवन शैली अपने पांव पसार रही है फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है उत्पादन कहते हैं प्रोडक्शन को वर्तमान समय में उपभोग भोग ही सुख बन गया है लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पाद लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं आज बाज़ार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है विलासिता की सामग्रियाँ क्या होती हैं लग्जरी गुड्स जो होती हैं उसे विलासिता की सामग्री कहते हैं और निरंतर उपभोक्ताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है इसी बात पर लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई वस्तु को ही ले लीजिए जैसे विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। और कोई दांतों को मोतियों जैसा चमत्कार बना देता है तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए बना है तो कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा है अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होने चाहिए और इसी तरह से आकार बनावट रंग आदि में अलग अलग विशेषताएं करके अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट बेचे जा रहे हैं और मुँह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की ज़रूरत भी होगी इस तरह से सूची जो है और भी बड़ी लंबी होने की संभावना है इसी तरह से लेखक आगे कहता है कि प्रसादनों की भीड़ तो और भी लोगों को चमत्कृत कर रही है सौंदर्य प्रसादन क्षेत्र में हर महीने नए उत्पाद जुड़ जाते हैं जैसे साबुन है कोई साबुन तरोताजा रखता है तो कोई पसीना रोकता है कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है तो फिर कोई साबुन शुद्ध खुद को गंगा जल से निर्मित बताने में जरा भी देर नहीं करता है संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर तीस तीस हजार के सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, यानी कि मेकअप आदि में जो सामान बिक रहे हैं उनमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल हैं। लेखक यह है, मानता है और फिर वह सौंदर्य की बात करता है और सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाते हैं यानी वस्त्र आभूषण आदि की दुनिया में आ जाते हैं और कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे हैं विभिन्न डिजाइन के परिधान बाजार में आने लगे हैं जो बहुत महंगे भी हैं केवल समय देखना हो तो चार पाँच सौ की घड़ी से भी काम चल सकता है परंतु प्रतिष्ठा या हैसियत दिखानी हो तो घड़ियाँ पचास साठ हजार से लाख डेढ़ लाख तक की भी पहनी जा सकती हैं यानी केवल दिखाने के लिए है यह है संगीत की समझ भले ही ना हो पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए कंप्यूटर को काम से ज़्यादा दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है उपभोक्तावादी संस्कृति को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिखावे की संस्कृति अभी फिर लेखक कहता है कि ऊंची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह पांच सितारा होटल बुक किए जाते हैं दिखावा का वही हाल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है अभी भारत में तो नहीं परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम के बाद का प्रबंध कर लिया जाता है जिसकी कीमत भी पहले ही दे दी जाती है आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी आपकी इच्छा के अनुसार फूल होंगे फुवारे होंगे आप चाहें तो मंद ध्वनि में निरंतर संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हो और लेखक कहता है कि भविष्य में भारत में भी ऐसा ही होने वाला है फिर लेखक इस प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है जवाब में लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है हमारी आस्थाएं दिन प्रतिदिन कमजोर हुई हैं सत्य तो यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दासता को स्वीकार किए हुए हैं यानी कि हम पश्चिम जो कंट्री हैं पश्चिमी देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके दास बन गए हैं गुलाम बन गए हैं हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं और भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने वश में करके रखते हैं यानी विज्ञापन जो हैं वो झूठे हैं और हमें भ्रम में लेकर के जा रहे हैं अतः लेखक उक्त संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित है चिंतित है और उसे यह चिंता हो रही है कि हमारी जो संस्कृति है वह है सही नहीं है आगे वो कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है यानी कि संसाधन जो हैं वो बिल्कुल सीमित हैं जो हमें मिला है वह सीमित है और हम उनका अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सदउपयोग नहीं कर पा रहे हैं भला आलू चिप्स पिज्जा और बर्गर खाकर आप स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है जो जो दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी लेखक के अनुसार गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें बुनियाद किसे कहते हैं नींव को कहा जाता है और गांधी जी ने ये कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव यानी कि अपनी संस्कृति के स्वास्थ्य को लेकर के चलना चाहते हैं स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है यहाँ पर आप देखिए लेखक क्या कहता है कि ये जो बढ़ रही है यानी कि विज्ञापनवाद उपभोक्तावाद बढ़ रहा है हम केवल उपभोग के पीछे अंधी दौड़ में शामिल हैं दिखावे की संस्कृति में शामिल हैं पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है अगर आपको इस तरह के बुक्स चाहिए हैं जिसमें आपको जो गाइड बुक जिसे कहा जाता है तो आपको मैंने सेलर का वहाँ पर नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग